हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट द होंडा एक्स ब्लेड BS6 वर्जन का। सबसे पहले तो होंडा एक्स ब्लेड दो वेरिएंट्स में आती है। वन इज द सिंगल डिस्क वेरिएंट, जिसमें सिर्फ सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिलता है और पीछे इसके ड्रम मिलता है। एंड दूसरा वेरिएंट है डबल डिस्क वेरिएंट, उसमें आपको सामने और पीछे दोनों तरफ डिस्क अवेलेबल है। दोनों वेरिएंट्स की प्राइस भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। ज्यादा बड़ा नहीं है वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर एक चीज इस बाइक के बारे में पता चल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सिनेमैटिक्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी के साथ चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। होंडा एक्स ब्लेड चार कलर्स में अवेलेबल है, दैट इज मैट एक्सिस ग्रे, पर्ल इग्नियस ब्लैक, पर्ल स्पार्टन रेड, और ये जो कलर आप देख रहे हैं वो है इसका मैट मार्वल ब्लू। टॉकिंग अबाउट द इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑफ दिस बाइक, इस बाइक में हमें 162.7 सीसी का इंजन मिलता है, विच इज सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वाल्व एयर कूल्ड SI फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, एंड ऑफ कोर्स BS6 कंप्लायंट भी है, जो प्रोड्यूस करता है मैक्स पावर ऑफ 13.8 PS एट 8000 RPM और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है ऑफ 14.7 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM, और ये इंजन जो है वो आता है विद अ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अब बढ़ते हैं इस बाइक के फीचर्स एंड सेफ्टी की ओर। तो होंडा एक्स ब्लेड में हमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, दैट मींस कि सिर्फ सामने के व्हील में ही ABS ऑपरेशनल है। इस गाड़ी में हमें सिंगल सीट मिलती है जो काफी लॉन्ग है, नो स्प्लिट सीट्स अवेलेबल हियर, तो राइडर और पिलियन दोनों को ही बैठने के लिए काफी ज्यादा जगह जो है वो मिल जाती है। एंड पिलियन को होल्ड करने के लिए पीछे ग्रैब हैंडल्स भी आपको मिलते हैं, जो इजी टू रीच है और क्वाइट यूनिक डिजाइन में मिलते हैं, एंड इट लुक्स गुड। इस गाड़ी में हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो दिखने में काफी अच्छा है। इसमें टैकोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, देन द क्लॉक, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सभी चीजें आपको मिलती है। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कंसोल इज कि इसमें आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी मिलता है, जो काफी यूजफुल रहेगा। अब बात करते हैं इसके चेसिस एंड सस्पेंशंस की। तो होंडा एक्स ब्लेड में हमें डायमंड चेसिस मिलती है, एज दिस इज अ नेकेड स्पोर्ट्स बाइक। अब अगर फ्रंट सस्पेंशंस देखें तो सामने आपको टेलीस्कोपिक फोक से मिलते हैं, बट यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है, विच इज दिस फोक प्रोटेक्टर्स, जो कि आपके फ्रंट सस्पेंशंस को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि धूल मिट्टी वगैरह जमने से फोक सील जो है वो डैमेज ना हो। एंड ये काफी अच्छी चीज है, एंड आई थिंक हर बाइक मैन्युफैक्चरर को अपनी बाइक में ये देना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में कितनी कीचड़ और मिट्टी उछलती है। रेयर सस्पेंशंस में इसमें हाइड्रोलिक मोनोशॉक मिलता है, जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। अब इस बाइक की डायमेंशंस और कैपेसिटी देखें तो होंडा एक्स ब्लेड की लेंथ है 2013 mm, विड्थ इज 786 mm, सीट हाइट इस बाइक की है 795 mm, तो अगर आपकी हाइट 5.5 इंच भी है तो आप इस गाड़ी को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की है 160 mm, व्हील बेस इज ऑफ 1347 mm, एंड द कर्व वेट इज 143 kg, तो पावर टू वेट रेशियो भी इस बाइक का काफी अच्छा है। और फ्यूल कैपेसिटी इज ऑफ 12 liters, एंड जस्ट लुक एट दिस टैंक। आई मीन ये कैमरा भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है इस बाइक के टैंक को, इतना बड़ा ये टैंक दिखता है जब आप इसको सामने से देखोगे। और ये टैंक इस बाइक को एक मस्कुलर लुक एंड फील देता है, और जब आप इसको चलाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप एक ज़्यादा सीसी की और ज़्यादा पावरफुल बाइक चला रहे हैं, और ये बाइक आपको लगभग 45 km/h का माइलेज फिगर दे सकती है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल्स की तरफ। तो सामने की तरफ हमें रोबो फेस अपीयरेंस वाला बड़ा हेडलाइट सेटअप मिलता है, जो पूरा LED है, और ये LED काफ़ी ब्राइट भी है।
इस बाइक की टेल लाइट भी आपको एलईडी की ही मिलती है और काइंड ऑफ अ टी शेप में आपको ये मिलती है। टर्न सिग्नल्स जो है वो इसमें आपको बल्ब के मिलते हैं और हैंडल बार के राइट साइड में आपको हजार्ड स्विच भी अवेलेबल है, जिसको प्रेस करके आप अपने चारों के चारों इंडिकेटर्स जो है वो एक साथ ऑन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मस्त फीचर है। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो इस बाइक को और प्रीमियम बना देती है। देन बाइक में हमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिलते हैं एंड यू इवन हैव अ पास स्विच ऑन द हैंडल बार। टायर्स और ब्रेक्स देखे तो बाइक में 17 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं और टायर्स आर ट्यूबलेस रेडियल टायर्स। द फ्रंट टायर साइज इज 80x100 सेक्शन 17 इंच एंड द रेयर टायर साइज इज 130x70 सेक्शन 17 इंच। तो काफी बड़े रेयर टायर कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, तो इससे एकदम कड़क हैंडलिंग आपको मिलेगी। तो अगर आपको टायर नंबर्स के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे पॉप हो रहा होगा। इस वीडियो में मैंने टायर्स पे जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं उनको पूरा एक्सप्लेन किया है कि आखिर इनका मतलब क्या होता है, तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, पर उससे पहले ये वीडियो पूरा देख लेना। अब ब्रेक्स देखिए तो सामने की तरफ 276mm डायमीटर का डिस्क ब्रेक है विद सिंगल चैनल ABS। तो सामने का ब्रेक सेम रहेगा दोनों वेरिएंट्स में, बस चेंजेस आएंगे रेयर ब्रेक में, जो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वेरिएंट खरीद रहे हैं। तो अगर आप होंडा एक्स ब्लेड का सिंगल डिस्क वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको रेयर ब्रेक में ड्रम मिलेगा, जो होगा 130mm डायमीटर का और उसकी प्राइस है ₹1.09 लाख एक्स शोरूम। और डबल डिस्क में आपको रेयर ब्रेक में भी डिस्क मिलेगा, जो होगा 220mm डायमीटर का और उसकी प्राइस होगी ₹1.13 लाख एक्स शोरूम। एंड माई एडवाइस इज इफ यू हैव द मनी देन डेफिनेटली गो विद द डबल डिस्क वेरिएंट, क्योंकि इसमें आपको बेटर ब्रेकिंग मिल जाएगी। एंड स्पेशल थैंक्स टू प्रायोरिटी होंडा शोरूम तिवरेम, जिन्होंने हमें ये बाइक जो है वो रिव्यू के लिए प्रोवाइड की। सो इफ यू आर स्टेइंग इन गोवा यू शुड डेफिनेटली चेक आउट द प्रायोरिटी होंडा शोरूम इन तिवरेम मार्सेल गोवा। All the showroom details are currently showing up on your screens and I will put all the details in the description box also in case if you want to check it out later. And thank you so much for watching this video. If you found this video useful, please like this video and also share this video with your friends. और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी नए नए वीडियो आने वाले हैं। So stay tuned for that by subscribing our channel. Until that, stay safe, ride safe and always wear a helmet.